नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। दोस्तों, एनसीएलटी ने लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट और उसे लीज पर विमान देने वाली कंपनियों जैसे कि एयर कैस्टल और वेलमिंगटन को एक हाल ही नोटिफिकेशन की स्टडी करने को कहा है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2026 के तहत एविएशन लीज एग्रीमेंट पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की बात है। बता दें कि एयर कैस्टल और वेलमिंगटन ने बकाए रकम को लेकर स्पाइस जेट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी याचिका दायर की है। हालांकि स्पाइस जेट ने कुछ तकनीकी आधार पर इस याचिका की वैधता यानी कि वैलिडिटी को चुनौती दी है। वहीं कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने 4 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें विमान के इंजन, एयर फ्रेम और हेलीकॉप्टर से जुड़े पाबंदियों को हटाने की बात की। दोस्तों, अभी तक पाबंदी लगाए जाने के बाद केस दायर करना, मौजूदा केस को जारी रखना, डिसीजन को लागू करने, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर या रिकवरी को लागू करने पर पाबंदी है। हालांकि दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की वजह से पाबंदी का मामला विमान के इंजनों, एयर फ्रेम और हेलीकॉप्टर पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि लीज पर दिए गए एयरक्राफ्ट, इंजन, हेलीकॉप्टर और अन्य समझौते पर पाबंदी वाले नियम लागू नहीं होंगे। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो इस नोटिफिकेशन के बाद एयर कैस्टल और विलमिंगटन स्पाइसजेट के ऊपर केस नहीं कर पाएंगे, जो कि स्पाइसजेट और उसके इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, एयर कैस्टल ने स्पाइसजेट के खिलाफ 2 इंसॉल्वेंसी याचिका दायर किया है। एक याचिका पर एनसीएलटी ने नोटिस जारी किया है, जबकि दूसरी याचिका की वैधता यानी कि वैलिडिटी पर एनसीएलटी ने सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एनसीएलटी ने एयर कैस्टल की याचिका को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के एयरलाइन इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल स्पाइसजेट में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पाइसजेट आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी पर अलग अलग तरीके से कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई कि इंडिगो के को फाउंडर स्पाइसजेट कंपनी में स्टेक खरीदेंगे यानी कि हिस्सेदारी खरीदेंगे, वैसे ही हमें स्पाइसजेट के शेयर में 20% तक का उछाल देखने को मिला। खैर, आगे देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये बढ़त कब तक कंटिन्यू रहता है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।